हावड़ा ब्रिज की क्या है खासियत, क्या है हावड़ा ब्रिज का इतिहास, जानिए इसे कब बनाया गया था। भारत में जब जब अद्भुत जगहों की बात होती है तो हावड़ा ब्रिज का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि जब कोई बंगाल जाता है तो हावड़ा ब्रिज को पहली नजर देखता है तो बस हैरत में पड़ जाता है कि आखिर ये ब्रिज टिका कैसे है। ये सवाल तब से उठता है जब से ये ब्रिज बना है, लेकिन आज तक ये ब्रिज जस का तस है, वो भी बिना किसी नट बोल्ट के, बिना किसी खंबे के। आइए बताते हैं आपको कि आखिर कैसे। आपने हावड़ा ब्रिज को कई फिल्मों और सीरियल्स में देखा होगा। इस ब्रिज ने हावड़ा और कोलकाता को बदलते देखा है। बंगाल में इस ब्रिज का नाम साल 1965 में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु रख दिया गया था। साल 1945 में बनकर तैयार हुए इस ब्रिज का इतिहास काफी पुराना है, क्योंकि जहां आज का हावड़ा ब्रिज है वहां एक पुराना ब्रिज था जिसे बंगाल के लोग पुरानो ब्रिज कहते थे। वो पीपे से बना पुल था जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1874 को हुई थी और इसको डिजाइन किया था रेलवे के चीफ इंजीनियर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने। यूं तो ये पुल सिर्फ 25 सालों के लिए बनाया जाना था, मगर ये करीब 74 सालों तक अस्तित्व में रहा। आपको याद होगा कभी आपने हावड़ा ब्रिज के बीच दो भागों में बट जाने की कहानी सुनी होगी, तो वो इस पीपे के पुल से ही जुड़ी कहानी थी। जब कोई शिप या नाव गुजरती तो पुल को बीच से खोल दिया जाता था। उस दौरान नाव के आने का समय तय था और उसी के हिसाब से लोग वहां गुजरते थे। साल 1906 के बाद से जल वाहनों के लिए पुल सिर्फ रात के वक्त खुलता था। साल 1945 में इस पुल को डिसमेंटल कर दिया गया था क्योंकि तब नए पुल का निर्माण हो चुका था। अब सवाल यह बनता है कि नए ब्रिज में क्या अनोखा है। आपको बता दें कि नए ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं है। इस ब्रिज के धातु को एक दूसरे से लोहे के छड़ों से बांध बांध कर जोड़ा गया है। हालांकि बहुत से लोगों का यह भी दावा है कि इसमें नट बोल्ट तो हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या में। यह दुनिया का छठा ऐसा ब्रिज है जिसमें एक भी खंभा नहीं है, यानी ये ब्रिज के बीच में सिर्फ लटा है। इस ब्रिज को इस तरह का दुनिया में सबसे व्यस्त पुल माना जाता है। एक खबर के मुताबिक इस पुल पर हर दिन 2 लाख लोग पैदल चलते हैं, तो वहीं 1 लाख कारें पास होती हैं और साल 1993 तक पुल पर ट्राम भी चला करती थी, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से इसमें ट्राम का आवागमन बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं कि इस अनोखे ब्रिज पर कभी कोई खतरा नहीं हुआ। इस ब्रिज पर कई तरह के खतरे आए, मगर ये ब्रिज हमेशा डटा रहा। पुराना पुल तूफान के बीच भी फंस गया था, जबकि एक बार एक शिप इस पुल से टकरा गई थी। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कोलकाता पर बम भी गिराए, मगर पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उस वक्त उनका प्रमुख मकसद किंग जॉर्ज डॉक को तबाह करना था, जिसे अब नेताजी सुभाष डॉक के नाम से जाना जाता है। उस दौरान वो अमेरिकी सेना का अस्थाई बेस था। बहरहाल ये थी कुछ हावड़ा ब्रिज के बारे में जानकारी, जो अपने आप में ही एक अनोखी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।